चेक करने पर्सनली मुझसे बात की थी रात के 12:30 बजे, रात के 1:15 बजे तक सर ने सिर्फ बोला इतना बूस्टअप किया था, इतना बूस्टअप किया था कि स्मृति मैं तुम्हें आपका फोर्टिफिकेशन चार्ज करूंगा। अब आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? हाँ सर, मैं बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, डॉक्टर गोयन का और चिरायु की टीम को भी बहुत बधाई और सबकी हिम्मत बढ़ाई। और ये कोरोना कोई ऐसी नहीं कि जानलेवा बीमारी हो, समय पर लड़के इलाज करके मनोबल बनाए रखे। बिल्कुल सर, ये मेंटली मेंटली ज्यादा टॉर्चर है आई थिंक, ये डिजीज से ज्यादा मेंटल और मेंटल सपोर्ट गोयन का सर ने बहुत अच्छा दिया। इवन मतलब चॉकलेट प्रोवाइड करना टू ओवरकम फॉर डिप्रेशन, बहुत अच्छा मैनेजमेंट सर चिरायु, आई रियली अप्रिशिएट चिरायु हॉस्पिटल, डॉक्टर गोयन का सर, माय एजुकेटेड डॉक्टर डी के पाल सर एंड एलएमपी गवर्नमेंट आल्सो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अच्छा आप बिल्कुल ठीक है, आप घर जा रहे हैं? यानी बस आप हमेशा स्वस्थ रहो और डॉक्टर गोयन का चिरायु अस्पताल सबको धन्यवाद और आपको बहुत शुभकामनाएं, हमेशा स्वस्थ रहो और खुश रहो बेटी। आपको जी जी बेटी खुश रहो। थैंक यू सीएम सर, मैं कहना चाहता हूँ कि गुड इवनिंग सर, असल में क्या है कि हम लोग का कोविड निकला था और जो है कि पहले हमारे परिवार के 4 लोगों का निकला था, पर जो है कि हमारे 3 जने और निकले तो जो है कि मैं तो बहुत ज्यादा डरा हुआ, तो ये सोच रहा था कि 14 दिन का मेहमान हूँ, पर यह कि यहाँ की जो है कि टीम ने बहुत अच्छा इलाज करी और खास करके स्पेशली जो यहाँ के जो वर्कर है जैसे खाना बांटने वाले और जो है कि और भी चीजें, यहाँ पर एक नंबर सहूलियतें दी गई है, किसी भी चीज में कोई भेदभाव नहीं करा गया है यहाँ पर, और जो है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के एमपी गवर्नमेंट का, यहाँ के जो है कि अस्पताल के टीम वर्क का, सभी ने जो है कि किसी ने भी कोई भी मतलब ये है कि जरा सी लापरवाही नहीं करी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज आप अपने घर पहुंचेंगे और बाकी भाइयों से भी कहिएगा, भाई बहनों से, कि कोरोना का मतलब कोई मौत थोड़ी है, लड़के कोरोना से जीते और आप स्वस्थ होकर आए, हिम्मत बनी रहे और लड़के हम हराएंगे कोरोना को, बाकी लोग भी ना घबराएं। असल में क्या है कि मीडिया में आप जैसी पढ़ रहे हैं ना तो उसके अंदर सबसे पहले लिखा रहता है कितनी मौत है, कितनी मौत है, कितनी मौत है, तो क्या है कि एक इंसान के जहन के ऊपर नेगेटिव बात जो है असर कर जा रही है, बल्कि ये नहीं देखना है हमको, हमको ये देखना है कितने लोग स्वस्थ होकर आए हैं, आपको बहुत बधाई मुबारक। नमस्ते मामा, मेरा नाम हरिकृष्ण शर्मा है, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मामा जी, मैं यहाँ पे 14 दिन पहले आया, मेरे पिताजी जो है पुलिस कर्मी है, वो पॉजिटिव आए, उसके बाद बहुत टेंशन हुई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे आए, आपने जो यहाँ पे जो भी सुविधाएं करवाई और डॉक्टर ने जो भी सपोर्ट किया उससे जो हिम्मत है वो बहुत बनी रही, और ये कि बीमारी ऐसी है जो इसमें हिम्मत जो है वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आप मतलब कहने का मतलब ये, अगर आपकी हिम्मत बरकरार है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहे बेटा, और सबको बता दें कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है, लड़के हम जीत के आ गए। मेरा नाम डॉक्टर रोशनी त्रिपाठी है, मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करती हूँ, और कार्य करते दौरान में वो भी कोरोना पॉजिटिव हुआ था, लेकिन मैं आज बात यही बोलना चाहती हूँ कि हमें पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं आई थी मैं बहुत परेशान और बहुत डिप्रेस थी, बीइंग डॉक्टर भी सर बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, लेकिन आज मुझे लगता है कि फाइट करके, और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ पूरी चिरायु की टीम को सर, स्पेशली डॉक्टर कृष्णा को, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमको, और मैं आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच चिरायु के डॉक्टर की टीम को भी, और बेटी जो व्यवस्थाएं करते बनी बनाने की सरकार ने कोशिश की, आप स्वस्थ आई, स्वस्थ होके आई, देख के बहुत खुशी हुई। अब सबको बताइए कि कोरोना से लड़के जीतते हैं, कोई कोई कोरोना ऐसा थोड़ी को हो गया तो तबाही हो जाएगी, सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, ठीक होके फिर आ गए। नमस्कार मामा जी, मैं 14 दिन पहले यहाँ कोरोना से आया था, मेरे पापा को कोरोना पॉजिटिव बताया था, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट सतपुड़ा भवन में थे वो,
मैं बहुत डरा हुआ था, मेरी मम्मी बहुत रोई, पर मैंने उनसे एक ही बात बोली कि यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मेरे मामा जी मेरे साथ हैं, मेरे डॉक्टर मेरे साथ हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मैंने उनको यही हौसला दिया और आज इसी हौसले की वजह से डॉक्टर के सपोर्ट से, आपके सपोर्ट से मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं यही बोलना चाहूँ कि कोरोना से डरने की कोई बात नहीं है, बस लोग ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, बस ये। थैंक यू सर। स्वस्थ देख के बहुत खुशी हुई, मामा तो भांजों के लिए ही है, हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहो और सबको बताओ कि लड़के जीतते हैं, मैं जीत के आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं चाहता हूँ कि चिरायू हॉस्पिटल जितने भी वर्कर है सर, जैसा कि आपने उज्जैन भेजे में सबको, जितने भी अपने 2,000-3,000 लोगों को परमानेंट जॉब दी थी, वैसे ही जो चिरायू हॉस्पिटल में जितने भी हाउस कीपिंग में डॉक्टर है, जो भी नर्स है, सभी को आप, मेरा निवेदन है आपसे कि सभी को गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया है। बहुत 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 शुभकामनाएं, हमेशा प्रसन्न रहो और सबको भी बताओ कि कोरोना से लड़के जीत के आए हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं। भाई साहब आज 55 पेशेंट्स को डिस्चार्ज कर रहे हैं, सब लोगों की अभी घर जाने की व्यवस्था कर रही है और टोटल अब 132 पेशेंट चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया और बाकी भी सब चिरायू अस्पताल का ये जो योगदान है डॉक्टर जी कभी भूलेगा नहीं मध्य प्रदेश। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई और हर जो चिरायू आ रहा है स्वस्थ होके जा रहा है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।